नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। मैं हूं कनक बिष्ट। मीटू कैंपेन सोशल मीडिया पर जो आंधी लेकर आया है, उसकी धुंध अब बड़े बड़ों की आंखों में बुरी तरह से खटक रही है। मीटू कैंपेन इन लोगों के चेहरों पर एक तमाचे की तरह पड़ रहा है। इस तमाचे में उन यौन उत्पीड़न के आरोपियों की तरह किया गया कोई शारीरिक शोषण तो नहीं है, लेकिन इस थप्पड़ की गूंज है बहुत ही जोरदार, जो इन लोगों के दिलो दिमाग में अर्श से फर्श पर आने का खौफ पैदा करने के लिए काफी है। आए दिन कई दिग्गजों के नाम इसमें शामिल होते जा रहे हैं और हर रोज इन लोगों के चेहरों से एक एक कर शराफत का मुखौटा उठता ही जा रहा है। आज मीटू की इस कड़ी में हम कुछ और सवालों के जवाब देने आए हैं, जो आपके दिलो दिमाग में मीटू कैंपेन को लेकर यकीनन ही चल रहे होंगे। हमारा सवाल है, तनुश्री दत्ता के बाद किन किन लोगों ने किस किस पर उठाई यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। नाना पाटेकर के बाद नंबर दो पर हैं फिल्मों में संस्कारी किरदार अदा करने वाले बाबूजी, यानी कि आलोक नाथ के खिलाफ एक नहीं बल्कि चार यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। पहला आरोप लगाया है राइटर और प्रोड्यूसर विंता नंदा ने। विंता नंदा ने आलोक नाथ पर 19 साल पहले सीरियल तारा की शूटिंग के दौरान शराब पिलाकर रेप का आरोप लगाया है। वहीं एक्ट्रेस संध्या मृदुल, एक्ट्रेस दीपिका अमीन, एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी और अपनी पहचान जाहिर किए बिना एक और महिला ने आलोक नाथ पर शराब पीकर बदतमीजी और छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आलोक नाथ के बाद नंबर तीन पर हैं केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और भाजपा से राज्यसभा सांसद एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। एमजे अकबर पर न्यूज मैगजीन फोर्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर गजाला वाहब, पत्रकार प्रिया रमानी, फ्रीलांस जर्नलिस्ट कनिका गहलोत, द एशियन एज की पत्रकार सुपर्णा शर्मा, राइटर शुमा राहा, पत्रकार प्रेरणा सिंह बिंद्रा और पत्रकार सुतापा पॉल ने यौन उत्पीड़न के इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नंबर चार पर बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत, फैंटम फिल्म्स की एक महिला क्रू, एक्ट्रेस नयनी दीक्षित, एक्टर इमरान खान और गुमनाम रहते हुए एक एक्ट्रेस ने इन पर आरोप लगाए हैं। वो हैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर विकास बहल, जिन पर बदतमीजी करने और जबरदस्ती करने के काफी गंभीर आरोप लगे हैं। नंबर पांच पर रंग कर्मी अभिनेता, गीत लेखक, गायक, स्क्रिप्ट राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर पीयूष मिश्रा पर पत्रकार केतकी जोशी ने शराब पीकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। नंबर छह पर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर सुभाष घई पर भी मीडिया से जुड़ी एक महिला ने रेप करने का आरोप लगाया है। नंबर सात पर एक्टर, डायरेक्टर और राइटर रजत कपूर पर भी दो महिलाओं ने गुमनाम रहते हुए बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। नंबर आठ पर एक महिला ने अपने नाम जाहिर ना करते हुए स्टैंड अप कॉमेडियन, स्क्रीन राइटर और लिरिसिस्ट वरुण ग्रोवर पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। नंबर नौ पर डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर साजिद खान पर तो जैसे यौन उत्पीड़न के आरोपों की बाढ़ आ गई है। साजिद पर लगे आरोपों की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई अपने पद का इतनी बुरी तरह से इस्तेमाल कर महिलाओं के साथ कैसे इतनी घिनौनी हरकतें कर सकता है। पत्रकार करिश्मा उपाध्याय, एक्ट्रेस सलोनी चोपड़ा, एक्ट्रेस रेचल वाइट और मॉडल एक्ट्रेस मरीना कुंवर ने साजिद पर गंभीर यौन उत्पीड़न, धमकाने और डराने और मेंटल टॉर्चर करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। नंबर 10 पर एक्ट्रेस गीतिका त्यागी ने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर सुभाष कपूर पर छेड़खानी करने और बलात्कार करने की कोशिश का आरोप लगाया है। 2014 में गीतिका, सुभाष और सुभाष की पत्नी का एक वीडियो कैमरा छिपाकर शूट किया गया था, जिसमें गीतिका सुभाष को थप्पड़ मारती दिख रही है। नंबर 11 पर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर कैलाश खैर पर महिला फोटो जर्नलिस्ट नताशा होमरजानी और सिंगर सोना महापात्रा ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। नंबर 12 पर आईआईटी और आईआईएम से पढ़े लेखक चेतन भगत, नंबर 13 पर डायरेक्टर लव रंजन, नंबर 14 पर विवेक अग्निहोत्री, नंबर 15 पर प्रोड्यूसर गौरांग दोषी, नंबर 16 पर नाटककार किरण नागरकर, नंबर 17 पर कॉमेडियन उत्सव चक्रवर्ती, नंबर 18 पर गुरसिमरन खंबा, नंबर 19 पर अदिति मित्तल, नंबर 20 पर क्रिकेटर लसित मलिंगा, नंबर 21 पर अर्जुन रणदुंगा, नंबर 22 पर एक्टर रोहित रॉय, नंबर 23 पर मॉडल जुल्फी सईद, नंबर 24 पर पत्रकार के आर श्रीनिवास, नंबर 25 पर गौतम अधिकारी,
नंबर 26 पर मनोज रामचंद्रन, नंबर 27 पर मयंक जैन, नंबर 28 सिद्धार्थ बाटिया, नंबर 29 पर मेघनाथ बोस, नंबर 30 पर उदय सिंह राणा, नंबर 31 पर सिद्धांत मिश्रा, नंबर 32 पर सताद्रु ओझा, नंबर 33 पर सिंगर राहु दीक्षित, नंबर 34 पर अभिजीत भट्टाचार्य, नंबर 35 पर अनु मलिक, नंबर 36 पर वैरमुत्तु रामास्वामी, नंबर 37 पर सेलिब्रिटी कंसल्टेंट और लेखक सुहेल सेठ और नंबर 38 पर मोहन वीणा प्लेयर विश्व मोहन भट्ट। इन सभी पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। इन सभी यौन उत्पीड़न के आरोपियों के नाम, चेहरे और नंबर्स हमने आपको इसलिए दिखाना और बताना जरूरी समझा क्योंकि न जाने कितने और लोग अभी इस गिनती में शामिल होने वाले हैं और न जाने कितने और लोगों के चेहरों से सभ्यता और शराफत के ये मुखौटे उतरने वाले हैं। खैर, बात करेंगे आपके और हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, यौन शोषण के आरोपियों ने अपने पक्ष में क्या किया और कैसे बयान दिया। नाना पाटेकर ने, तनुश्री और आलोक नाथ ने विंता नंदा के आरोपों को नकारते हुए मानहानि का केस दर्ज करवाया है। साथ ही सुभाष घई ने भी खुद पर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह नकारा है। वहीं मंत्री एमजे अकबर ने खुद पर लगे आरोप पर अभी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर विकास बहल ने फैंटम फिल्म्स के अपने साथियों अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी पर छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए लीगल नोटिस भेजा है, जिसके बाद फैंटम फिल्म्स को बंद किया जा रहा है। वहीं पीयूष मिश्रा और रजत कपूर ने इस मामले में सोशल मीडिया के जरिए माफी मांगी है। सिंगर कैलाश खेर ने आरोप के सवालों पर कहा कि उन्हें ऐसी कोई घटना याद नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा है तो वो माफी मांगते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन, स्क्रीन राइटर और लिरिसिस्ट वरुण ग्रोवर ने उन पर लगे आरोपों को झूठ और बेबुनियाद बताया है और साथ ही डायरेक्टर अनुराग कश्यप और नीरज घेवान ने ग्रोवर का बचाव भी किया है। लेखक चेतन भगत ने आरोपों को सही बताकर माफी मांगी है। साजिद खान पर लगे आरोपों के बाद प्रोड्यूसर्स और स्टार्स के दबाव के बाद फिल्म हाउसफुल 4 रोक दी गई है। ये तो थी आरोपियों की प्रतिक्रियाएं और कुछ आरोपियों के माफीनामे, लेकिन क्या इन आरोपियों के ये माफीनामे उन महिलाओं की पीड़ा, लंबे इंतजार, शारीरिक और मानसिक शोषण को संतुलित करने के लिए काफी हैं? आलोक नाथ और साजिद खान जैसे लोगों पर लगे आरोपों की कहानियां सुनकर तो गुस्सा भी आता है और उन पीड़ित महिलाओं की उस वक्त की स्थिति के बारे में सोचकर रोना भी आता है। हॉलीवुड में यौन उत्पीड़न के आरोपी हार्वी वाइनस्टाइन और केविन स्पेसी जैसे दिग्गजों पर विदेशी कानून ने अपनी गाज गिराकर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, लेकिन हमारे देश में इन यौन उत्पीड़न के आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वर्षों से ऐसे मुद्दे परतों के नीचे छुपा दिए जाते हैं। पीड़ित महिलाओं को इन मुद्दों पर चुप रहने की हिदायत दी जाती है। फिल्मों से निकाल दिए जाने और करियर खत्म होने के डर से फिर महिलाएं चुप रह जाती थीं। एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि किसी पीड़ित को अपनी पीड़ा बताने के लिए और आवाज उठाने के लिए मीटू जैसे कैंपेन की जरूरत ही क्यों पड़ती है। अंत में बस इतना कहना चाहेंगे कि मीटू कैंपेन के जरिए मची ये खलबली यदि हमारे और आपके लिए सिर्फ एक खबर ही बनकर रह जाएगी तो इससे बड़े अफसोस की बात कोई और नहीं होगी। मेरे साथ आज बिग न्यूज़ सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।